नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में दोस्तों दिल से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि एक सीढ़ी बनाने में रेसिडेंटल बिल्डिंग का आपको क्या खर्चा लगेगा, साथ साथ मटेरियल क्या लगने वाला है 2022 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, हेल्पफुल वीडियो, मैंने सटीक और सरल तरीका से बताया। अगर आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो बहुत आसानी से किसी को समझ में आ सकता है। और दोस्तों साथ साथ आप कॉमेंट भी करके हमें पूछ सकते हैं, लेकिन उसी का कॉमेंट हम टेकअप करके वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, जो हमें थैंक्स बटन देंगे। ठीक है, थैंक्स बटन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं और आपका कॉमेंट हमेशा टॉप में रहेगा अगर आप लोग थैंक्स बटन हमें देते हैं तो। और दोस्तों बिल्डिंग से रिलेटेड आप किसी टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना चाहते हो, उसका सर्विस लेना चाहते हो, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है, और आपका जो हमारा वेबसाइट है उसका भी लिंक डाला हुआ है, तो आप हमसे हमारे विश्वास पे काम दे सकते हैं, हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू दोस्तों। पूरा पूरी एक रफ एस्टिमेट बता रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट बता रहे हैं नॉर्मल स्टेयर के लिए, नॉर्मल स्टेयर केस फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए बता रहे हैं। और दोस्तों एस्टिमेट बताने से पहले आपको ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप प्राप्त करने के लिए आपको फ्लोर का हाइट चाहिए। तो फ्लोर का हाइट हम लोग कम से कम 10 फुट लेते हैं, 10 फुट को यानी कि आपका हो गया 3000 mm के आसपास होगा। और जो राइजर रहता है, राइजर मतलब ऐसा जो चढ़ने वाला रहता है, इसको हम लोग राइजर बोलेंगे, तो यह आपका 150 mm रहता है। तो दोस्तों जब इसको आप काट देंगे तो काटने के बाद यह 20 स्टेप्स आएंगे। लैंडिंग के साथ में दोस्तों एक लैंडिंग पड़ेगा, तो ये 20 + 1 = 21 टोटल्स नंबर ऑफ स्टेप आपका हो जाएगा। एक स्टेयर बनाने के लिए लगभग आपका 21 स्टेप लगते हैं एक फ्लोर के, और वो भी डिपेंड करता है आपका कैसा स्टेयर बना रहे हैं, ठीक है, गोला कलर का है या किस टाइप का स्टेयर है, नॉर्मल स्टेयर है तो उसके अनुसार है। तो दोस्तों कुछ मेरे इस टाइप का हमारे पास डायग्राम है, तो यह आपको हम बताना जा रहे हैं कि फ्लोर का हाइट अभी तो बता दिए 10 फुट है, इसको एमएम में चेंज करेंगे तो 300 एमएम हो जाएगा। यहाँ से जो हाइट है आपका, यहाँ से ग्राउंड लेवल से लेकर फ्लोर तक का हाइट आपका 3000 एमएम। हमने जो अभी बताया राइजर, तो जो फ्लोर का हाइट है और राइजर ये है आपका, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ राइजर है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से पाँव उठाएंगे तो इस पे आएंगे और यहाँ से पाँव उठाएंगे तो इस पे आएंगे, तो ये आप जैसे पाँव उठाएं ये राइजर हो जाता है। ट्रेड जहाँ पे पाँव आप रख रहे हैं, ठीक है, वो आपका ट्रेड हो जाता है। तो हाइट वाला जो है, ऊंचाई वाला वर्टिकली है, वो आपका राइजर, और हॉरिजॉन्टली जो है ऐसे ऐसे वो ट्रेड हो गया। तो 150 mm कम से कम राइजर का साइज रखेंगे, और जो ट्रेड है पाँव रखने वाला वो 250 mm का आसपास रखेंगे। तो हमने यही यहाँ पर डिवाइड करके आपको बता दिया दोस्तों। एस्टीयर का साइज कम से कम रेसिडेंटल बिल्डिंग में आपका 16 फुट 3 इंच, मतलब 16.33 फुट गुने 8 फुट का कम से कम हम लोग रखते हैं, तो यह टोटल हमारा हो गया 131 मान के चलिए स्क्वायर फुट हो गया। अब इसमें 8 फुट जो आपका चौड़ाई है जिसको ब्रेथ बोलते हैं, तो 4 फुट पहला लैंडिंग का हो गया, और 4 फुट जब यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर दूसरा लैंडिंग का, तो 4 फुट आपका ये हो जाएगा, 4 फुट ये, तो टोटल 8 फुट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एस्टीमेट का। ये थोड़ा बेसिक था, आपको बता दिए जब आप लोग स्टेयर बनवाएंगे तो कुछ इस टाइप का आपके पास डिजाइन होगा। तो इसमें जो गीला कंक्रीट वॉल्यूम लगेगा वेस्ट 1.5 मीटर लगेगा। वेस्ट मतलब हो गया 6 इंची का जो वेस्ट डलाता है दोस्तों, 6 इंची 5 इंची का डलाता है, तो इसको हम वेस्ट बोलते हैं। पहले ढालना है RCC कंक्रीट इसमें करना है, उसके बाद स्टेप बनाया जाता है। तो ये हमारा वेस्ट हो गया, यहीं पे लिखा है 1.05 मीटर क्यूब आपका, W से वेस्ट हमने लिख दिया शॉर्टकट में, तो इतना कंक्रीट लगेगा। फिर स्टेप के लिए यहाँ पे 21 जो स्टेप लगेंगे चढ़ने के लिए, 21 स्टेप, तो उसमें आपका जो कंक्रीट वॉल्यूम यूज होगा दोस्तों वह 0.45 मीटर क्यूब होगा। इसको हम लोग शॉर्टकट में S से स्टेप बता दिए, और W से ये वेस्ट हो गया, ठीक है, तो टोटल दोनों जोड़ के 1.5 मीटर क्यूब हो गया।
अब दोस्तों रेट का अगर बात कर ले तो 2022 में आपका रेट बढ़ चुका है कंक्रीट का, और इसमें आपको M20 कंक्रीट ग्रेड यूज करना है दोस्तों, जिसका रेशियो होता है 1:1.5-3। एक बैग सीमेंट लेंगे तो 1.5 बैग बालू और 3 बैग आपका गिट्टी लेना है। इसी के रेशियो से हमें कंक्रीट बनवाना है। यह स्टैंडर्ड और सेफ रेशियो होता है। तो दोस्तों अब 1.5 मीटर क्यूब टोटल इसमें कंक्रीट वॉल्यूम यूज होगा। तो 1.5 मीटर क्यूब कंक्रीट वॉल्यूम को अगर 6,000 रुपया से गुना कर दिया जाए तो यह आपका पड़ जाएगा, बनाल कंक्रीट अगर मंगवा लेंगे तो यह आपका पड़ने वाला है 9,000 रुपया आपका बनल बनाल कंक्रीट पे, या तो कंक्रीट बनवाएंगे खुद से तो उस पर पड़ने वाला है रेडीमिक्स। ठीक है, यह रेट थोड़ा बहुत अलग अलग लोकेशन पे बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर इंडिविजुअल बात कर ले खुद से अगर बनवाएंगे सीमेंट बालू कितना लाना पड़ेगा, तो दोस्तों सीमेंट बालू आपको 12 बैग लग जाएंगे एक सीढ़ी बनाने के लिए। रेट का अगर बात कर ले दोस्तों तो यह 400 से पार हो गया सीमेंट का रेट अप्रैल और मई में। तो 450 रुपया हम मान के चल रहे हैं एक बैग का लेना है आपका सीमेंट का कीमत। 450 रुपया के अकॉर्डिंग 12 बैग सीमेंट का रेट दोस्तों 500 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर पड़ने वाला है। अब वहीं बालू का अगर बात कर ले रिवर साइड का, नदी के बालू का, ठीक है, तो यह आपका टोटल 23 CFT बालू यूज होगा, मतलब क्यूबिक फुट CFT का मतलब। रेट का अगर बात कर ले दोस्तों तो यह 50 से लेकर 70 रुपया के बीच में ये रहता है। ऐसे बिहार यूपी के लोकेशन में 70 के पार भी CFT है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया का एवरेज हम आपको बता रहे हैं। हम 65 रुपया लेके चल रहे एक CFT का। तो 23 CFT का आपका बालू का रेट होने वाला है 1495 रुपया आपका पड़ेगा 23 CFT का। वहीं गिट्टी का अगर बात कर ले दोस्तों तो गिट्टी आपका 45 CFT यूज होगा। गिट्टी को हम लोग मेटल बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं, गिट्टी बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं, खड़ी बोलते हैं। तो इसका भी रेट अगर बात कर ले 50 से 70 रुपया पर, सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने गलती लिखा गया इसके लिए सॉरी, यहाँ पे CFT होगा, तो पर CFT पड़ता है। तो आपका रेट टोटल होने वाला है गिट्टी के ऊपर दोस्तों 3,150 रुपया गिट्टी के ऊपर होगा खर्चा। वहीं अब बात कर ले स्टील का, तो दोस्तों स्टीयर बनाने के लिए कम से कम जितना भी कंक्रीट वॉल्यूम है आपका गीला उसका 1% स्टील यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा स्टील 117 kg यूज होगा, मतलब एक कुंटल 17 kg आपका स्टील कंज्यूम होगा। ठीक है, अब रेट का बात कर ले तो रेट तो 85 रुपया से लेके 90 रुपया से भी पार हो गया है पर केजी। ठीक है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये कहीं कहीं कम है बेशी है, इसलिए मैं एक एवरेज निकाल लिया हूँ पूरे इंडिया का। तो हम 90 रुपया से लेके चले दोस्तों, तो 90 रुपया से लेके आपका स्टील का रेट 10,560 रुपया स्टील के ऊपर पड़ने वाला है। वहीं अगर बात कर ले लेबर और सेटरिंग का, तो लेबर और सेटरिंग का पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमारा जो स्टीयर बन रहा है वो कितना स्क्वायर फुट में बन रहा है। तो हमारा स्टीयर 131 स्क्वायर फुट में बन रहा है, 16.33 फुट गुने 8 फुट है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 131 स्क्वायर फुट हो जाएगा जब गुना करेंगे तो। अब रेट कैसे चल रहा है भैया, रेट तो हम 45 रुपया से लेके 120 रुपया पर स्क्वायर फुट लेके चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि कहीं कहीं ये 35 रुपया भी पड़ जाता है, कहीं कहीं 40 रुपया, 45 रुपया, कहीं 80 रुपया, तो कहीं ये 55 रुपया, तो कहीं 120 रुपया, 150 रुपया चलता है। मतलब कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, साउथ इंडिया के आसपास जितना भी रीजन पड़ रहा है वहाँ पे 80 रुपया से लेकर 120 रुपया, 150 रुपया भी पड़ता है। तो हमारे यूपी बिहार के रीजन में 40-45 रुपया हाइस्ट हो गया। तो हम 45 रुपया लेके चले एक इंडिया का एवरेज। तो आपका सेटरिंग के ऊपर खर्चा होने वाला है दोस्तों 45 रुपया के अकॉर्डिंग 131 स्क्वायर फुट का 5,895 रुपया आपका खर्चा होगा। अब टोटल मटेरियल का खर्चा क्या लगेगा, तो हम सारे मटेरियल को ऐड कर देंगे। हम ऐड क्या क्या करेंगे, आपका सीमेंट ऐड करेंगे, बालू ऐड करेंगे, गिट्टी ऐड करेंगे, स्टील ऐड करेंगे, सेटरिंग और लेबर का खर्चा ऐड करेंगे। इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडी मिक्स कॉन्क्रीट हमने बताया था रेट आपको। ठीक है, ये बनल बनाल अगर मंगवाएंगे प्लांट से तब है,
लेकिन हमको इसका रेट ऐड करना है, इसका रेट ऐड करना है, इसका रेट ऐड करना है, मतलब ट्रिपल ट्रिक जो लगा है ना, सीमेंट बालू गिट्टी सेटरिंग लेबर, उसका ऐड करना है। तो हम टोटल को अगर जोड़ दें तो यह दोस्तों आपका 26,537 रुपया एक स्टीयर को बनवाने के लिए आपको अभी के डेट में 2022 में खर्चा पड़ने वाला। और दोस्तों रेट अगर ऊपर नीचे जब भी होगा मटेरियल्स का तो फिर से हम अपडेट